यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट दिन है 7 दिन का, 7 डे का, 7 दिन का। 7 आप लोगों ने 7 दे दिया, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, और आज हम लोग जा रहे हैं डिसोल्यूशन के लिए। तो बच्चा, आपके जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा के मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस मैंने आपको सेंड कर दिए, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने OCM का हो सका उतना ज़्यादा रिवीजन मैंने आपको करवा दिया, OCM में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। और साथ ही साथ मैं ESP के लिए भी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जो करस्पॉन्डेंस है वो कैसे लिखना है आप लोगों को, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, ESOS क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, डिपोजिटरी क्या होता है, अन यस सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज हम सेकेंड सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि कल का पूरा दिन और पूरी शाम आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। यस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अभी थोड़ी देर में आपको PDF भी मिल जाए इंग्लिश की, तो उसको देख के आप प्रैक्टिस करना आंसर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ दोनों में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आपको इशू नहीं होगा जरा भी। तो आज की रात हमारे साथ, उसके बाद आपकी एग्जाम की एक दिन पहले जो भी एग्जाम होगी उसके लिए मैं 9 बजे से आपके साथ रहूंगा। बच्चों, कैसे पेपर लिखना है, कोई क्वेश्चन बायड नहीं हो रहा है, कैसे लिखना है, वो सब डिस्कशन के लिए एवरी डे मीन्स ईच एंड एवरी नाइट बिफोर योर एग्जाम डे आई विल विथ यू, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। सो बच्चे लोग, होप आप लोगों ने इंग्लिश का आज मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी बिफोर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर या ड्यूरिंग दिस सेशन मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। पर मैं आपको बता दूं बेटा, एक राइटिंग स्किल करके एक पार्ट होता है। नॉर्मली आपका पैसेज होता है, पोएम होती है, उसके बाद में आपको 5 पार्ट में पेपर मिलता है। तो जो आपके अनसीन पैसेज है वहां पे, या लेटर राइटिंग का पार्ट छोड़ना नहीं आपको जरा भी। अब तो ऐसा है कि आप लोग आपके मोस्ट ऑफ द ग्रामर भी आपको बहुत सारा टेक्स्ट बुक के ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसमें से होता है। तो आराम से पेशेंसली पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद में उसके आंसर्स को ढूंढना और लिखना। और जो कभी कभी हमें लेटर्स दिए होते हैं या नॉवेल्स दिए होते हैं या राइटिंग स्किल का जो भी पार्ट है बेटा, राइटिंग स्किल के पार्ट में मैक्सिमम चीजें आपको पासिंग मार्क राइटिंग स्किल से मिल जाते हैं। तो वहां पे आप एटलीस्ट समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग वाला प्रिंसिपल फॉलो करना। मैं आपको एक PDF सेंड कर रहा हूँ बेटा, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों अवेलेबल है पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तो उसको आप एक बार ट्राई करना, पूरी रात पढ़ना आज आप लोग, कल का पूरा दिन है, पूरी शाम है आपके पास में। सो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी बच्चा रुकेगा। इन माय जोन इज बोस ऑफ कॉमर्स BKOC SPE को। सो मुझे लगता है कि हम वहां पे ज्यादा अच्छी मेहनत करके मार्क्स स्कोर भी करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स में दिला भी पाऊंगा। तो आज का हमारा सेशन है वो है लास्ट डे 7 डेज का, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार मिला है। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया था कि एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं रहूंगा, जी हाँ, वो तो आपका पढ़ने का टाइम होता है वो मुझे पता है बेटा, बट ऐसा एक साथ चाहिए जो हमारे लिए आधी रात को भी अवेलेबल हो। सर, ये क्वेश्चन अगर मैं कैसे लिखना चाहूँ, शॉर्ट में लिखूँ तो, सर इसका आंसर क्या आ सकता है, सर अगर मुझे कुछ बाहर नहीं हो रहा है तो इज देयर समवन, यस 9 बजे से मैं आपके साथ रहूंगा 12 बजे तक, और आपके सवालों के जवाब देते रहूंगा मैं, कैसे लिखना है पेपर, कहाँ पे लिखना है पेपर, एज वेल एज आंसर्स को कैसे मॉडिफाई करना है। कोई आंसर आपको बाहर नहीं होता, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम OCSPE को अकाउंट के लिए, मैं आपके साथ रहूंगा बेटा। सेकेंड, मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ, 12 बजे के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे सो मैं रहूंगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे उतने टाइम तक मैं आपके साथ रहूंगा, दैट इज माई प्रोमिस टू एवरीवन। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बट मेरे बच्चों को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, आज का चैप्टर का मतलब है डिसोल्यूशन। बिजनेस पूरी तरह से हम क्या करने वाले बेटा, बंद करने वाले, डिसोल्व करने वाले। जिस तरह बिजनेस आया था, जरा ध्यान से, फाइनल अकाउंट जब शुरू किया था, बिजनेस आया था, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमने पैसे लाए थे, पार्टनर्स को लाया था, एडमिट किया था पार्टनर को, एडमिशन पार्टनर था, किसी वजह से पार्टनर की डेथ हो गई तो हमने डेथ ऑफ पार्टनर देखा, हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट पार्टनर का 3rd स्टेप है, ना डेथ होना है, ना रिटायरमेंट होना है, ना एडमिशन होना है। अब तो बिजनेस वो सिचुएशन पे आ गया है जहां पे हमें क्या करना है, सीधा सीधा
लॉस हो रहा है और हम बिजनेस को क्या करने वाले हैं, वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए। दूसरी तरफ से मेरी तरफ से आपको कल एक पर्सनल क्वेश्चन भी मैं आपके साथ में एक लाइव चैट करूंगा, जहां पे आपको बताना चाहूंगा कि भाई कैसे क्या है, बट आपका टाइम बहुत जरूरी है। तो आज के दोनों सेशन आप मेरे साथ रहोगे एंड मैं इसी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आपकी जो जरूरत की चीजें मैंने आपको दे दी है सर, हम लोगों को एप्रिसिएशन का पॉइंट में लिखना होगा कि आप एप्रिसिएशन फॉर्म में लिखो, पैरा फॉर्म में लिखो मीना, नो इशू, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि मेरा बच्चा एटलीस्ट समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग वाला रूल अप्लाई करे। मैं थोड़ी देर में आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, वो पीडीएफ को कल पूरी तरह घिस घिस के पढ़ना बेटा। आप सिर्फ मटेरियल मत जमा करो, मटेरियल मत जमा करो, मटेरियल का यूज भी करो। ठीक है, घर में चीजें जमा करोगे तो वो भी खराब हो जाती है, इसीलिए चीजों को इस्तेमाल करो। तो जो भी मटेरियल आपके पास में 21 है या उत्तम का उत्तम पब्लिकेशन की बुक है या कोई पेपर सॉल्यूशन है, उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में तो आपके पास चीजें अवेलेबल होती है, आपको ढूंढ के लिखना होता है। जितना पेशेंसली आप पैराग्राफ को रीड करोगे उतना बेनिफिशियली आप लोग लिखोगे, बहुत सारे आंसर वहां पे अवेलेबल भी आपके पास। चलो तो शुरू करते आज का सेशन, रेडी एवरीवन, ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं आपका ये सेशन शुरू करता हूं और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इकोनॉमिक्स का मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया है और सेकेंड लेक्चर एसपी का होगा बेटा, सेकेंड लेक्चर एसपी का होगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यस अक्षय, ओके, सो टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन, राइट। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को वाइंड अप करना। ठीक है, अब जब बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो आपको तीन से चार चीजों की बातें बरोबर ध्यान से रखना है, याद रखना है, कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करना है, उसके अलावा बिजनेस में कुछ नहीं आएगा। मैं बहुत प्यार से, बहुत सिंपल वे से, बहुत मैजिकल वे से आपको पढ़ाने वाला हूं अभी, कि आपको तुरंत की तुरंत जनरल एंट्री बाहर हो जाएगी। अब जरा आप लोग एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना कि वो आपको क्या पूछ रहे, उन्होंने लेजर पूछा है या जनरल पूछा है। मुझे जब तक लगता है दे विल आस्क यू जनरल एंट्री। डिसोल्यूशन की आपको जनरल एंट्री आएगी, लेजर नहीं आएगा, पर आपको रफ लेजर बनाना पड़ेगा पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग की जनरल एंट्री के लिए। बट लेजर भी आया तो कोई इशू नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस बंद करते हो बेटा, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वाइंड अप योर बिजनेस, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो स्टेप नंबर वन ध्यान रखना बेटा। स्टेप नंबर वन, आपको क्वेश्चन कैसे दिए वो पहले देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बनाना होता है, कौन कौन से फॉर्म बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे असेट्स बेचने वाले, हमारा बिजनेस बंद होने वाले बच्चों, तो असेट्स बेचने वाले, तो असेट्स जब बेचते हो उसे कहते हैं रियलाइजेशन। यस, असेट्स बेचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें हमारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है हमें हमारा क्या करना है, असेट्स को बेचना है। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो घर पे नहीं ले जाना है, हमारे सिर पे जो भी कर्जा है उसको चुकाना है। नंबर टू, वेदर दे स्पेसिफिकली गिविंग और नॉट, चाहे वो हमको बताते या नहीं बताते, हमारे एडजस्टमेंट में बोला हो या ना बोला हो, वो हमें चुकाना है। अब बैलेंस शीट तो बनानी नहीं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, राइट। तो क्या क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकेंड बनेगा वो हमारा बनेगा बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल दे तो पार्टनर्स कैपिटल, या करंट दिया है तो करंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्टनर का लोन दिया है तो ही लोन अकाउंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या बनाओगे बेटा, लोन अकाउंट कब बनेगा, अगर किसी पार्टनर का लोन अलग से स्पेसिफिक दिया है तो। ठीक है, चलिए, सो रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू बैलेंस शीट,
तो नंबर वन सबसे पहला काम क्या करना है हमको, नंबर वन सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी हमको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो काउंटिंग की एंट्री, बेटा काउंटिंग की एंट्री है, आप जरा ध्यान से समझ लो। पहला काम है ट्रांसफर असेट्स, जितने भी असेट्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, कुछ भी हो, उनका सीधा नाम बदली कर देना है। अब उसको उठा के कहां पे ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट में। और आज से असेट्स को, आज से प्रॉफिट एंड लॉस को, मैं बोलता ना सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, चाहे वो हमारा असेट्स हो चाहे हमारी लाइबिलिटी हो, एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसका नाम क्या होगा बेटा, उसका नाम क्या होगा, उसका पेज नंबर 209 209 पे है बेटा, पेज नंबर 209 पे। चलो तो सबसे पहला पॉइंट आप चैट बॉक्स में लिख दो, सबसे पहला पॉइंट चैट बॉक्स में लिख दो, डिसोल्यूशन में फर्स्ट एंट्री क्या पास करोगे, ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप नंबर वन। जितने भी असेट्स आपको बैलेंस शीट में दिए होंगे उनको उठा के कहां पे ट्रांसफर हुए, रियलाइजेशन में। असेट्स ऑलरेडी डेबिट है, असेट्स ऑलरेडी डेबिट है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। और कहां पे जाना है हमको, रियलाइजेशन में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, स्टेप नंबर क्या है बेटा, वन। जब भी हम असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो पहला स्टेप क्या है, जितने भी आपके असेट्स अलग अलग नाम से दिया है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, व्हाटएवर, बैंक को छोड़ के जो भी कुछ दिया है, वो सब हम कहां पे ट्रांसफर करें, रियलाइजेशन में। असेट्स ऑलरेडी डेबिट है, उसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दिमाग लगाना, असेट्स ऑलरेडी डेबिट है, जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। इसलिए फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। सेकेंड, ट्रांसफर द लाइबिलिटी, हम दूसरा काम क्या करेगा, जितना भी लाइबिलिटी दिया है बेटा आप लोगों को, एक बार असेट्स उठा के ट्रांसफर करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, ट्रांसफर ऑफ ऑल लाइबिलिटी इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब लाइबिलिटी ऑलवेज हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा, लाइबिलिटी हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अब लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने को बोल रहा है तो पहले वो क्रेडिट था, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। किसी भी चीज को ट्रांसफर करने बोलते हैं तो वो अपोजिट साइड चली जाएगी, असेट्स डेबिट थे, ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। उसी तरह लाइबिलिटी जब आप ट्रांसफर करते हो, सी यहां पे मैं बोलता हूं असेट्स, असेट्स कहां पे दिया बेटा आपको, डेबिट में दिया है, पर असेट्स को ट्रांसफर किया तो असेट्स कहां पे दिखेगी आपको, क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब हमारे पास बेटा यहां पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, सिंपल वे से लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये जो भी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या आउटसाइडर्स लोन है, एक्सेप्ट द पार्टनर लोन, पार्टनर के नाम का अगर लोन नहीं है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये सब आपकी लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट। एंड टू रियलाइजेशन, मैंने पूछा इसको ट्रांसफर कहां पे करना है, असेट्स को उठा के कहां पे ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में। लाइबिलिटी को उठा के कहां पे ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में। तो मेरा स्टेप नंबर वन क्या होगा बेटा, जो भी असेट्स है उसको ट्रांसफर करो, ट्रांसफर मतलब क्या होगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो जितने भी असेट्स है वो क्रेडिट में जाएंगे और डेबिट में कौन आ जाएगा, रियलाइजेशन, ठीक है बेटा। तो पहली जन एंट्री में कैसे लिखता हूं बेटा, ट्रांसफर ऑफ असेट्स की, फर्स्ट जन एंट्री है मेरी, वो क्या लिखूंगा बेटा, सिंपल वे से आपको ये एग्जाम में लिखना ही लिखना है, जाते ही ये लिखना है बेटा, क्या लिखना है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन। अगर आप रियलाइजेशन में डालते हो असेट्स को तो मुझे बताओ
बैलेंस शीट में असेट्स कहाँ पे दिखते हैं आपको बेटा? डेबिट साइड में दिखते हैं। अगर वो डेबिट साइड में दिखते हैं उसको ट्रांसफर करके तो कहाँ पे चलेगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्रेडिट में टू असेट्स अकाउंट, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट में कौन आ जाएगा? जहां पे ट्रांसफर करना है असेट्स को कहां पे ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है, आराम से कर पाओगे आप लोग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। क्लियर? सेकेंड चेन एंट्री क्या होगी बेटा? लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो। तो जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में याद रखना, यहाँ पे एक और लाइबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब अपनी लाइबिलिटी है। और ये आरडीडी दिखता है असेट्स में पर माइनस करते इसके लिए क्रेडिट है, तो बेटा उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एक और एंट्री यहाँ पे ध्यान रखना तुम लोग, क्या लिखोगे बेटा? तो लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिट हो सकता है, तो पहला स्टेप समझ में आएगा असेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जरा ध्यान से सुनना बेटा, थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है बेटा अपने को? स्टेप नंबर थर्ड, असेट्स ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी ट्रांसफर। अब क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड या किसी भी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको दिया होगा तो ये तीनों क्रेडिट में दिया होगा तो हम डेबिट करेंगे, और डेबिट में दिया है तो क्रेडिट करेंगे। पर ये रिजर्व जो पैसा जमा किया हुआ है वो किसको दोगे? तो जमा हुआ क्या हुआ पैसा हम पार्टनर्स को बांटेंगे। किसको बांटेंगे बेटा? पार्टनर्स को। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जमा किया हुआ पैसा हम किसको बांटेंगे? पार्टनर को बांटेंगे। यस। एंड नेक्स्ट, अब असेट्स बेचोगे, मुझे बताओ असेट्स आप जब बेचते हो तो पैसा आएगा कि जाएगा बेटा? द कैश कम इन टू द बिजनेस और गोज आउट द बिजनेस। असेट्स जा रहा है और पैसा आ रहा है, और हमने पहले कसम खा लिया आज से जितने भी असेट्स है या जितनी भी लाइबिलिटी है उसको हम क्या बुलाएंगे? रियलाइजेशन। मतलब फर्नीचर गया, मशीनरी गया, क्रेडिटर को पेड किया, हमने कुछ भी किया उसका नाम क्या होगा? रियलाइजेशन। असेट्स को सेल किया मतलब हमने क्या सेल किया? रियलाइजेशन। असेट्स जा रहा है मतलब हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन जा रहा है, और सामने क्या आ रहा है बेटा? कैश आ रहा है। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है और क्या जा रहा है बेटा? कैश आ रहा है और रियलाइजेशन जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, हमने अगर असेट्स को बेचा मतलब असेट्स जा रहा है, तो यहां पर रियलाइजेशन की जगह असेट्स के हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? रियलाइजेशन। सपोज असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वॉट्स कम्स इन क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। यहां पे असेट्स को बेच रहे मतलब असेट्स जा रहा है, तो असेट्स जा रहा है तो असेट्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। पर असेट्स नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या गया? रियलाइजेशन। आया क्या? कैश बैंक। कैश रहेगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, असेट्स टेकन बाय पार्टनर, हमारे बिजनेस से असेट्स तो अभी देखो बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, पहले हमने असेट्स ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, रिजर्व था वो बाटम पार्टी कर लिया, बट तीसरा स्टेप अब असेट्स बेचना चालू करेंगे क्योंकि हमें कर्जा चुकाना है, पैसे चाहिए बिजनेस में, हमें क्या चाहिए बेटा? पैसे। तो पैसे कलेक्ट करने के लिए हमने हमारे असेट्स बेचना शुरू किया। जैसा हमने असेट्स बेचा तो बिजनेस में पैसा आया, पैसा आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स, पर असेट्स नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सबका मालिक एक, चाहे असेट्स चाहे लायबिलिटी, आज से सबका नाम क्या कर दिया हमने? रियलाइजेशन। राइट?
यहां तक समझ रहे बेटा? फिर अगर बिजनेस में कुछ ऐसा असेट्स है जो हम बेचना चाह रहे पर बिक ही नहीं रहा है, अब धंधा बंद हो गया, पार्टनर सोचेगा अरे भाई असेट्स बिक नहीं रहा तो क्या करें। एक पार्टनर बोला चलो ऐसा करो मैं ये असेट्स मेरे घर पे ले जाता हूं, मुझे थोड़े पैसे कम दे देना। मतलब असेट्स टेकन बाय पार्टनर। मुझे ये बताओ असेट्स चाहे बेचोगे, जल गया, बह गया, डूब गया या ले गया, किसी भी वजह से असेट्स तो गया, असेट्स जाएगा तो असेट्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, असेट्स को क्रेडिट ही करना है। अगर आपने असेट्स को बेचा और पैसा आया तो लिखोगे कैश बैंक अकाउंट, और अगर आप कैश नहीं लाए, अगर पार्टनर ले जाए तो पार्टनर अकाउंट डेबिट। एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। पैसा नहीं आ रहा है तो नाम आएगा, बच्चा मेरा नाम समझ लो एक बार। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? नाम लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बस इसके बाहर है ही नहीं, इतना ही डिसोल्यूशन है, इतनी ही जर्नी एंट्री आपको समझनी है। चलो नेक्स्ट है वो है, उसी तरह हमारे बिजनेस में क्या करना है हमको, चाहे एडजस्टमेंट में बोला हो या ना बोला हो, भाई धंधा बंद होने वाला है, बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या हमारे क्रेडिटर हमको छोड़ देंगे? बोलते नहीं नहीं तेरा नुकसान हो गया, तू तो डूबा डूबा हमको भी डूबा दे। नहीं, हमारे क्रेडिटर क्या करेंगे, हमको पैसा देना पड़ेगा उनको किसी भी तरह, तो हम क्या करेंगे क्रेडिटर को पे करेंगे। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड होता है। जब भी आप उनको पे करोगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सपोज मैंने क्रेडिटर को पे किया, सपोज मैंने बिल्स पेबल पे किया, तो जर्नी एंट्री क्या आएगी? पैसा गया। और मैंने पूछा क्यों गया, व्हाई दिस एक्सपेंसेस अकर, तो बोलो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया। मैंने क्रेडिटर को पैसा पेड किया तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कोई डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पे किया। जब भी आप पे करोगे मतलब पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में हम वो वस्तु का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन। हमने क्रेडिटर को पे किया, हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया, हमने बिल्स पेबल पे किया, हमने बैंक लोन पे किया। आप किसी भी वजह से पेमेंट करते हो तो बिग में लिखना किस वजह से पे कर रहे हो, बट इन शॉर्ट पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसा पे नहीं कर पाते, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो पैसा पे करने की जवाबदारी पार्टनर ले लेते, वो पैसा पे करने की जवाबदारी पार्टनर ले लेते। तो एक्सपेंसिस पेड बाय पार्टनर, तो लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर या लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर। तो लाइबिलिटी तो पेड तो हो रहा है ना, चाहे हम पे करें या पार्टनर पे करें, तो लाइबिलिटी जब जब पेड होगा तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। यहां पे भी लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। पर अगर हमने पे किया मतलब बिजनेस पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करोगे। अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है और आपका पार्टनर पे कर रहा है तो कैश के पे क्या जाएगा? नाम आ जाएगा। दैट्स इट। बस इतनी ही एंट्री आपको समझनी है बेटा, इसके बाहर कोई भी एंट्री नहीं है। दैट्स इट। बस डिसोल्यूशन खत्म। मैं आपको फिर से बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप नंबर वन क्या रहेगा बेटा? स्टेप नंबर वन क्या रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। स्टेप नंबर वन क्या रहेगा? असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। स्टेप नंबर टू क्या रहेगा बेटा? जिस तरह आपने असेट्स को ट्रांसफर किया उस तरह आप लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करोगी। लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो जो भी लाइबिलिटी है, सेंट्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल अकाउंट है,
या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RDD अकाउंट है, RDD रिजर्व या कोई भी प्रोविजन है, टू रियलाइजेशन आएगा, जो भी लाइबिलिटी हो क्रेडिट में होती है उसको पे करोगे तो डेबिट में चले जाएगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन मैं क्या करो बेटा, स्टेप नंबर वन ट्रांसफर कर रहा हूं, स्टेप नंबर वन अकाउंट ट्रांसफर करने का, जितने भी असेट से उठा के लाइबिलिटी में, जितनी भी लाइबिलिटी है उठा के रियलाइजेशन में, मीन असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। थर्ड स्टेप है वो है हमारा एनी रिजर्व या फंड, अगर लाइबिलिटी में कोई रिजर्व या फंड दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। तो क्या करूंगा बेटा, रिजर्व और फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व और फंड अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर। तो यहां पे रिजर्व को ट्रांसफर करना है किसको, पार्टनर को, रिजर्व क्रेडिट में ट्रांसफर करो तो कहां पे जाए, डेबिट में, किसको देना है, पार्टनर्स को। यहां पर लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर। आपने इधर रिजर्व क्यों लिखा, रियलाइजेशन क्यों नहीं लिखा, फंड क्यों लिखा, क्योंकि हमने फंड को ट्रांसफर नहीं किया है, डायरेक्ट पार्टनर को बांट दिया है। तो सिंपल स्टेटमेंट, तीन स्टेप याद रहेगा बेटा, स्टेप नंबर वन क्या है बेटा, असेट्स ट्रांसफर, स्टेप नंबर टू लायबिलिटी ट्रांसफर, स्टेप नंबर थ्री वो होगा हमारा रिजर्व फंड अगर दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। स्टेप नंबर फोर बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, स्टेप नंबर फोर आएगा वो आएगा बच्चा लोग, वो आएगा या तो रियलाइजेशन ऑफ असेट, असेट्स बेचोगे, जब भी असेट्स बेचोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैश मिलेगा, तो आप लिखो कैश अकाउंट डेबिट, असेट बेचने पे क्या मिलने वाला, कैश मिलने वाला, तो कैश अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है बेटा, तो जो असेट्स जा रहा है उधर क्या लिख दोगे, रियलाइजेशन, सबका मालिक एक असेट जा रहा है तो रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह अगर हमने असेट्स बेचने की कोशिश तो की बट असेट्स नहीं बिका, असेट्स नहीं बिका तो मैं क्या लिखूं बेटा, चलो फटाफट रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, मैंने असेट्स बेचने की कोशिश की बट मेरा असेट्स नहीं बिका तो मेरे पार्टनर लेके जाएंगे, तो असेट्स टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है बेटा, अगर पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है, यस वैभव, पार्टनर अगर असेट्स लेके जा रहे तो असेट्स तो जा रहा है, क्या पैसा आ रहा है क्या, नहीं, पार्टनर पैसा नहीं देगा, पार्टनर पैसा नहीं देगा पर असेट्स लेके जा रहा है, तो पार्टनर पैसा नहीं दे तो कैश, यहां पे ऊपर आपने देखो पैसा आ रहा था तो आपने लिखा था कैश, पैसा आ रहा तो आपने लिखा था कैश, बट यहां पे पैसा नहीं आ रहा है तो मैं लिखूं जो ले जा रहा है उसका नाम पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर द रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सना, गुड गोइंग बेटा, मतलब अगर असेट्स बेचा और पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट्स गया, अगर मैंने असेट्स बिका नहीं और पार्टनर ले गया तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो ले जाएगा उसको डेबिट कर दो, या तो पैसा आएगा या तो पार्टनर का नाम आएगा, ये लॉजिक लेके चलो, या तो पैसा आएगा या तो पार्टनर का नाम आएगा। पॉइंट नंबर सिक्स है वो है बेटा सेम,
पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी पेड करो तो पेमेंट ऑफ, बेटा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में बोलू या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी या पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस बोलाओ, मोस्टली डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको बोलते हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा कम इन और कम आउट, इफ वी आर पेइंग मींस कम कैश कम इन और कम आउट, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, बेटा चलो फटाफट रिप्लाई कर दीजिए फटाफट प्लीज, इफ यू आर पेइंग देन द कैश कम इन टू द बिजनेस और गोज आउट, पैसा जा रहा है और आप पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटी के लिए, तो सबका मालिक एक, चाहे वो एक्सपेंस हो या लाइबिलिटी हो, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या गया अपने पास से बेटा, कैश अकाउंट या कैश बैंक जो भी है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है वो है आपका, उसी तरह सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पार्टनर्स वो लाइबिलिटी पेड करते हैं, तो लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस डिस्चार्ज बाय पार्टनर तो सिंपल फंड है बेटा, सिंपल फंड है आपके लिए। यहां पे जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हो तो पैसा जा रहा है, यहां पे हम पेमेंट नहीं कर रहे, कौन पेमेंट कर रहा है, हमारा पार्टनर, तो पेमेंट तो हो रहा है, लाइबिलिटी तो खत्म हो रही है, तो सिंपल रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हमने पैसा नहीं दिया तो किसका नाम आएगा, पार्टनर का, मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या, मुझे ये बताओ आपको किसी को डाउट है यहां तक, तो चलो लेजर कौन कौन से बनाने वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला लेजर बनाएंगे वो है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा लेजर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट, जिस तरह वहां पे बैलेंस शीट टैली होती थी यहां पे कैश बैंक अकाउंट टैली होने वाला है, और अगर कोई पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर की भाई का लोन है, पार्टनर के पड़ोसी का लोन है तो उसका लोन अकाउंट नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले वो देख लेते हम लोग। यस बेटा चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, होप सबको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से।
ऑल ऑफ यू एबल टू सी द स्क्रीन? मैं क्वेश्चन रीड करता, जरा ध्यान से देखना। रिद्धि एंड सिद्धि, अच्छा ये दो बहन है अपनी, पार्टनर का नाम क्या बेटा? रिद्धि सिद्धि। ये डिसोल्यूशन है, मतलब तीसरा पार्टनर नहीं आने वाला है। पार्टनर कैपिटल में दो ही कॉलम बनानी अपने को, तो पार्टनर कैपिटल में गया, मैंने पहले लिख दिया रिद्धि, दूसरे का नाम लिख दिया सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ठीक है। ठीक है, चलो अब वहां पे क्या बोला है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। ये लॉस 2:1 कहां पे काम में आने वाले बेटा हमको? यहां पे देखो, अगर कोई रिजर्व फंड दिया, हाँ जी दिया है सर, एक मिनट रुको। फॉलोइंग देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या क्या बनाना है वो भी देख लेते। उन्होंने क्वेश्चन में दिया, उन्होंने हमको फॉलोइंग बैलेंस शीट दिए, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, बैलेंस शीट दिए। यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करना है वो ध्यान से देखो, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनाने वो दिया होता है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन्होंने बोल दिया था ईमानदारी से सिद्धि लोन अकाउंट बनाना है आपको, कभी कभी नहीं भी बोलते, और लास्ट में बोला है बैंक अकाउंट। मतलब कितना अकाउंट बनने वाला है यहाँ पे बेटा? 4 अकाउंट बनने वाला है। हाँ मतलब अकाउंट बनने वाला है जनरल एंट्री नहीं, बट ये सवाल में मैं आपको जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा और उसकी पोस्टिंग कैसे होती वो भी बताऊंगा। तो आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पे ही सोल्व हो जाएगा, चाहे वो एग्जाम में जनरल आए चाहे वो एग्जाम में लेजर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जनरल एंट्री तो तेरे भाई तेरे सर यहाँ पे एकदम लल्ला तरीके से बताने वाले, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, असेट्स में सिर्फ एक ही चीज असेट्स नहीं होती है, जो है यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, रेड रेड हाईलाइटर से यहाँ पे ध्यान देना, वो है आपका RDD, जो दिखता असेट्स में पर वो असेट्स नहीं है, उसको हम लोग माइनस करते। अब हमें डेटर का कौन सा वैल्यू लेना है सर? जब हम ट्रांसफर करें तो हमें डेटर का कौन सा वैल्यू लेना है? तो ये ध्यान रखना, इनर कॉलम का जो वैल्यू दिया आपको डेटर का, वो ही आप ट्रांसफर करोगे, ये वाली वैल्यू को लेना नहीं है आपको। चलो देखते, बिल्डिंग असेट से, फर्नीचर असेट से, मशीनरी असेट से, डेटर असेट से, स्टॉक असेट से, इन्वेस्टमेंट असेट से, बिल रिसीवेबल असेट से। पर यहाँ पे देखो, उन्होंने बैंक अकाउंट बनाने बोला है अपने को, तो हमको बैंक अकाउंट बनाया हमने, पहला काम क्या करना है आपके यहाँ से उठाना है किसको बेटा? सिंपल वर्ड बोलता हूँ, सबसे पहला सिंपल लैंग्वेज में, जो भी कैश दिया है तो कैश अकाउंट, बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट। बेटा ये जो बैलेंस है, बैलेंस वो बैलेंस क्या होने वाला है? ट्रांसफर होने वाला है। होप आप लोगों को बैलेंस क्या होने वाला है बेटा? ट्रांसफर। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ग्रुप में डाल दिया है, बैलेंस क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ठीक है। अभी आप लोग अगर मेरे ग्रुप में हो व्हाट्सएप के, तो कल क्या पढ़ना है वो लिंक भी मैंने आपको PDF बना के दे दिया है, तो आप पढ़ सकते हो इंग्लिश का पूरा दिन। कल मेहनत करना अच्छे से बेटा, आपको इंग्लिश और हिंदी संभालना है, दूसरे चारों सब्जेक्ट में संभालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बिगिनिंग बैलेंस है तो हम ब्रोट डाउन ही लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया बैलेंस का? 20,000। वो है 20,000, यहां पे लिख दूंगा 20,000 मेरा बैलेंस बेटा। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? स्टेप, अपने जो 6 स्टेप है वही फॉलो करेंगे हम लोग। नंबर 1,
जितने भी एसेट्स है यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करूंगा बेटा, मैं ट्रांसफर करूंगा, TRF करूंगा। असेट्स को क्या करना है बेटा मुझे, TRF करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है बेटा, रियलाइजेशन में। असेट्स मतलब मेरा डेबिट है, इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना मतलब ये कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट में, राइट। कहाँ पे ट्रांसफर करना है मेरे को, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट्स क्रेडिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। स्टेप नंबर वन, मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो मेरी जर्नल एंट्री को। स्टेप नंबर वन मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। स्टेप नंबर वन, क्वेश्चन स्टार्ट करते पहले ही हमको पहला काम क्या करना है, जितने भी असेट्स है उन सबको उठा के ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, राइट बेटा। मैं पहले आपको जनरल बता रहा हूं, जनरल से लेजर बहुत ज्यादा इजी है और लेजर से जनरल भी बहुत इजी है, बहुत इजी बेटा। लेजर को और जनरल को मेरे को लगता है बहुत इजी है। पहला स्टेप है यहाँ पे क्या करना बेटा, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो जितने भी असेट्स है वो क्रेडिट में चले जाएंगे, असेट्स डेबिट है क्रेडिट में चले जाएंगे। डेबिट में जहां जाना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू तो आप सबने असेस ट्रांसफर कर लिया होगे बेटा, आपका पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। मतलब एग्जाम में जाके पहला काम मेरा यही है, जो भी असेस दिए उसको मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या दिया था असेट्स में, पहला असेट्स क्या था, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी। तो यहां पे लिखता हूं बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट मशीनरी डेटर। नेक्स्ट लिखूंगा टू टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपके असेट्स है उन सबको आपको क्रेडिट में लिख देना है और डेबिट में सिंपल लिख देना है टू रिसीवेबल, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। और नीचे इन्वेस्टमेंट आ गया आपका इंटरेस्ट और रिसीवेबल, वो भी आपका असेट्स ही है तो वो भी लिख देंगे यहां पे। उसको गलती से रियलाइजेशन में लिखना टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट।
और लास्ट क्या है टू बैंक, वो लिखना नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया है बैंक हमारे लिए बैंक का बैलेंस है। यहाँ पे बैंक दिया है तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनाओगे, ठीक है। चलो वो ध्यान रखना आपको एग्जाम में। अमाउंट लिख देते हम लोग, तो अगर सिंपल कैलकुलेशन करने अगर आप लोगों को आता है तो जो इन्होंने बैलेंस शीट में माइनस किया है, बेटा सिंपल टेक्निक बता दो, बार बार टोटल मत करना। जो बैलेंस शीट में एसेट्स में देखो उन्होंने क्या माइनस किया, यहाँ पे 1600 रुपया, तो आप 1,90,000 में प्लस कर दो 1600 रुपया और बैंक माइन जो प्लस है वो माइनस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको वो आपका आंसर आएगा 71,600। मैं आपको शॉर्टकट बताऊं टोटल कैसे करने का है, अगर आपको टोटल करना है तो आएगा कितना बेटा 1,71,600। मैंने बिना टोटल के टोटल निकाला है, कैसे करना है वो बताता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, आरडीडी पहले क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया है, तो जो भी आपने माइनस किया है ये वाला टोटल लेने का, जो भी यहाँ पे उन्होंने पहले माइनस किया है उसको प्लस कर दो। और हमने क्या नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, मतलब उन्होंने प्लस करके रखा है यहाँ पे, उसको माइनस, उन्होंने जो प्लस किया उसको माइनस कर देंगे और हमने जो माइनस किया उसको प्लस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल। बट ऐसे भी टोटल लिखना है 60,000, 24,000, 20,000। तो पहले मैं लिखता हूं 60,000, 20,000, 24,000, देन 17,600। ये वाला अमाउंट लिखना, वो ध्यान रखना डेटर का, अंदर वाला अमाउंट लिखना है, आउटर वाला नहीं लिखना है, 17,600, क्योंकि आरडीडी आप ट्रांसफर करने वाले हो, ये गलती से भी मत लिखना नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। 40,000, 8,000, 40,000, 8,000, then 8,000, then 2,000। आप अगर प्लस करोगे सबको तो आपको वही मिलेगा। अगर जनरल एंट्री लिखा है तो बिंग लिखना पड़ेगा, बिंग क्या आएगा तो असेस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग असेस ट्रांसफर आप जो कर रहे हो वही लिखना है आपको। सर बिंग नहीं लिखा तो चलेगा, नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा जनरल एंट्री तो बिंग लिखना पड़ेगा बेटा। चलो अब ये जो भी हमको दिया हुआ है वो सब उठा के क्या करना है, अगर लेजर होगा, लेजर आपको जनरल नहीं पूछा है सिर्फ लेजर पूछा है, तो आप क्या करोगे, आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बताया, जब जनरल एंट्री पढ़ो क्या दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में जाओ और सब असेट्स का नाम लिख दो, तो मैं वही करूंगा, रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और सब असेट्स का नाम लिख दूंगा, यहां पे टू, यहां पे असेंडरी असेट्स लिख दूंगा, पहले टू सेंडरी असेट्स, ठीक है, टोटल लिख दूंगा इनका आउटर कॉलम में मेल। अगर मैंने सेंट्री असेट्स अकाउंट लिखा है तो नीचे बार बार अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, अदरवाइज आपने डायरेक्ट लिखा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे लिखो 1,71,600, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर वन खत्म। स्टेप नंबर टू क्या है, तो जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उसको उठा के आपको कहां पर ट्रांसफर करना, बट उसके पहले ये रिद्धि कैपिटल और सिद्धि कैपिटल, पार्टनर कैपिटल 80,000, 6,000, तो पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बाय बैलेंस क्रोट डाउन, बाय बैलेंस क्रोट डाउन रिद्धि कैपिटल, सिद्धि कैपिटल कितना दिया बेटा
80,000 एंड 60,000, तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे 80,000, बाजू में लिख देंगे 60,000, जो जितना पैसा लाया वो लिख देंगे, ठीक है। स्टोरी इज ओवर, बहुत सिंपल है ये, फुल मार्क्स इसमें मिलना ही आपको, तो पास होने का टेंशन खत्म। फाइनल अकाउंट किया, एडमिशन किया, एनपीओ में पोस्टिंग किया, ट्रांसफर किया, जितना एडजस्टमेंट बताया वो कर दिया, और फाइनली डिसोल्यूशन किया। देन नीचे डेथ और रिटायरमेंट से कोई एक करना है तो उसकी पोस्टिंग भी किया तो आपको मार्क्स मिलेगा, तो आपको ब्लैंक आना नहीं है एग्जाम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, रिजर्व फंड। मैंने बोला ना रिजर्व फंड ट्रांसफर नहीं होगा, रिजर्व फंड क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व फंड क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रिजर्व फंड कहां पे दिया है, क्रेडिट में दिया है। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहां पे जाएगा, पार्टनर के पास। तो एंट्री क्या आएगा, पार्टनर अकाउंट डेबिट। बेटा पार्टनर रिजर्व फंड क्रेडिट में दिया था, हम उसको कहां पे लिखे बेटा, डेबिट में। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल हम लोग रिजर्व फंड क्या करेंगे बेटा, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां पे लिख देंगे बाय बाय रिजर्व फंड कितना दिया जा रहा है, देखो आपको ये रिजर्व फंड मतलब आपका जनरल रिजर्व है बेटा, रिजर्व फंड अकाउंट। अब वहां पे रेशियो में देना पड़ेगा, आपको टोटल अमाउंट कितना दिया बेटा, 60,000 दिया है, उसको पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो पार्टनर का रेशियो हमको क्या दिया, 2:1। 2:1 का मतलब क्या होता है बेटा, 3। तो डिवाइड बाय 3 करोगे, 16,000 डिवाइड बाय 3, तो 6×3 18, राइट माय डियर स्टूडेंट, 16,000 डिवाइड बाय 3 यस, एंड मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा आप लोग, मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले पार्टनर को दिया जाएगा बेटा 10,600 एंड 666 आ रहा, तो मैंने 1 रुपया ज्यादा दे दिया एक पार्टनर को, सेम हमने एडमिशन में भी किया था, और एक पार्टनर को 5,333 रुपीज देंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, यस वेरी गुड। 666 है तो उसको 67 कर दो, वेरी गुड सना, गुड गोइंग बेटा। चलो ये क्लियर हो गया आपको इतना बेटा, हमने क्या कर दिया बेटा, असेस ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैंक को बैंक के घर पे लिख दिया। अब यहां पे क्या दिया वो ध्यान से देखो, आपको दिया है सिद्धि लोन, सिद्धि हमारी पार्टनर है, अगर पार्टनर के नाम का लोन दिया है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो पार्टनर के बैलेंस में जाएगा सिद्धि लोन अकाउंट में, और ये लायबिलिटी है मतलब वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सिद्धि का मैंने लोन अकाउंट बनाया है। सिद्धि के लोन में जाके लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बिगनिंग बैलेंस है तो मैं क्या करूंगा, ब्रोट डाउन करूंगा। कितना सिद्धि का लोन कितना बेटा, एज पर द क्वेश्चन सिद्धि का लोन है 4,000 रुपीज का, ओके सिद्धि। चलो अभी यहां पे क्रेडिटर दिया है जिसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहां पे आरडीडी दिया है, आरडीडी को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा। कहां पे ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा अपनी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहला असेस ट्रांसफर, दूसरी एंट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर, सेकेंड स्टेप को लूंगा लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर लाइबिलिटी क्रेडिट अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, तो यहां पे लिखूंगा क्रेडिटर अकाउंट और आरडीडी एक साथ ही लिख देता हूं मैं, या दो अलग एंट्री किया तो भी चलेगा जन एंट्री। तो पहले लिख देता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट,
एक ही दिया है तो एक लिख देता, चलो कोई इशू नहीं, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना दिया है रियलाइजेशन अपने को, क्रेडिट 30,000 की लाइबिलिटी है तो हम लोग जनरेट में 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट, एक ही लाइबिलिटी तो एक लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। चलो लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री अलग रखना, तो क्या करूंगा बेटा जनरेट एंट्री पढ़ो, क्या दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के कहां पे जाना है, क्रेडिट में जाना है, मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया और यहां पे लिख दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना दिया क्रेडिट है अपने को बेटा 30,000, तो यहां पे लिख देता हूं 30,000। उसी तरह हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आरडीडी प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी या सेंट्रल लाइबिलिटी लिख के लिख सकता हूं मैं, तो यहां पे लिख देता हूं बाय जन एंट्री क्या आएगी, तो सेम जन एंट्री आएगी आरडीडी क्रेडिट में, तो डेबिट में लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना दिया RDD का अमाउंट हमको बेटा 1600 रुपया, तो जनरल एंट्री में जाके हम लोग लिख देंगे 1600 रुपीज, जन एंट्री में बींग लिखना है, यहां पे लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, यहां पे भी लिखना है आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सिंपल जो आपने किया वही लिखना है, कुछ नया लिखना नहीं है, ठीक है बेटा, लिखना भूलना नहीं है हमको। चलो तो हमने पहले मैं आपको सिंपल स्टेप बता देता हूं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर, जो बहुत एक ही सम दो ही सम करेंगे, पर ऐसा करेंगे कि हमको समझ में आ जाना मांगता है पूरा। स्टेप नंबर वन क्या है बेटा अपना, जितने भी असेट्स है उसको टीआरएफ करेंगे, कहां पे टीआरएफ करना है बेटा, टीआरएफ टू रियलाइजेशन, सेम जितने भी असेट्स है बैंक को छोड़ के टीआरएफ टू रियलाइजेशन, उसी तरह जो भी लाइबिलिटी दी है वो भी क्या होगी, टीआरएफ टू रियलाइजेशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे मैं लिख देता हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट को भी बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पार्टनर का ही लोन दिया है तो वो भी जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और रिजर्व फंड दिया है बेटा या प्रोविजन दिया है या जनरल रिजर्व दिया है वो जाएगा पार्टनर को। चलो यहां तक समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया, हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर वन, हम अभी अपना असेट्स बेचना चालू करते हैं, असेट्स को रियलाइज किया, क्या क्या बेच दिया वो देखो बेटा, हमने बेचा है मशीनरी बेचा है, अब कितने का था और कितने में बेचा उसे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस बंद हो रहा है, जितने भी बिका होते हैं बेच दो, कोई मगजमारी नहीं पालना है। चलो मशीनरी बेचा, बिल्डिंग बेचा, स्टॉक बेचा, और डेटर भी रिकवर हो गया हमारा, डेटर भी रिकवर हो गया, डेटर से भी पैसा आ गया। अब आपको ये देखना ही नहीं, एडमिशन में देखते थे कितने में गया कितने में आया, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, क्योंकि ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाना है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितने में भी बेचा उतने में बेच देने का, कहानी खत्म। तो ये चारों चीज जा रही है,
तो मेरा काम क्या रहेगा, कितने में जा रहे हैं, तो जन एंट्री कहेगा असिर्स जा रहा है बेटा, ये असिर्स जा रहा है, कीप इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट, ये असिर्स असिर्स जा रहा है, बी केयरफुल विथ माय वर्ड। असर्स जा रहा है तो एंट्री कैसे आएगी, असर्स गया और पैसा आया, बिजनेस में आ क्या रहा है बेटा अपने पास में, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, और असर्स के नाम पे क्या लिखोगे आप लोग बेटा, सबका मालिक एक, रियलाइजेशन। ये सबको अलग अलग लिखने से अच्छा है हम सीधा ही लिख देते हैं यहां पे, क्या आया बिजनेस में, कैश आया तो हम लिखे कैश अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ रहा है तो वो टोटल करना पड़ेगा हम लोगों को, चलो टोटल कर लेते 28 + 15 28,000, 15,000, 43 हुआ, एंड उसके बाद में हमने 38,000 में क्या बेचा है, 22 + 28 अगर मैं ये दोनों को प्लस करता हूं तो 30 + 50,000, 50 + 50 + 40, 90,000 वहां पे बचा 1,03,000 रुपीज, 1,03,000 में असेट बिगड़े मेरे, ठीक है, 1,03,000 रुपीज के असेट जा रहे और कैश भी आ रहा है 1,03,000 रुपया। बींग क्या आएगा बेटा, बींग क्या आएगा, असेट्स रियलाइज, राइट। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, तो बैंक अकाउंट बनाया अपन ने, कैश बैंक अकाउंट, तो यहां पे लिखे बैंक अकाउंट बनाया, तो हम लोग लिखे बैंक अकाउंट, यहां पे क्वेश्चन में उन्होंने बैंक दिया है, तो जन एंट्री में हम लोग कैश वर्ड यूज नहीं करके बैंक वर्ड यूज करेंगे, बोलना लाइव में मैसेज ले ले, मैसेज ले ले, तो बैंक के डेबिट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे हम लोग बैंक के डेबिट में आके लिखे टू रियलाइजेशन, जन एंट्री के बेस पे जाते, चलो देखो आराम से पढ़ो क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट का डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में गया और मेरे को लिखना है टू रियलाइजेशन, जितना पैसा आया वो लिख दे 1,00,000, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आके लिखोगे, ये लिखने का तरीका समझना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यस, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन मतलब बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे कौन आएगा बेटा, बैंक आएगा, और ये लिखते समय जरा ध्यान देना, पहले इधर लिखना बाय बैंक अकाउंट और फीस लेस करके आपने जो भी असेट्स बेचे, आपने जो भी असेट्स बेचे वो लिख दोगे तो भी चलेगा, बैंक अकाउंट के नीचे क्या क्या बेचा आपने बेटा, बाय बैंक अकाउंट लिख के बिल्डिंग, बिल्डिंग बेची आपने, डेटर से पैसा मिला, फिर आपके पास से स्टॉक गया,
फिर आपके पास से मशीनरी भी गया, कितने में क्या क्या बेचा, चलो देखते अमाउंट देख लेते फटाफट। सर मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, तो यहां पे लिख दूंगा मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, 28,000। और क्या बेचा हमने बेटा, साथ में क्या बेचा बेटा, स्टॉक 38 और डेटर 15, स्टॉक 38 और डेप्टर 15,000। इन सबको मैं प्लस कर लेता हूं तो भी मुझे आंसर पता ही है 28,000। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर दो, 38,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000, 1,03,000 रुपीज आए। तो आउटर कॉलम में लिख देते 1,03,000। ठीक है बेटा, रविंद्र आई थिंक आप आज ही ज्वाइंट हुए हो, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट रहो मेरे साथ में, पास हो जाओगे। सिर्फ फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग, ये डिसोल्यूशन एनपीओ का पोस्टिंग, डिसोल्यूशन और एडमिशन का पोस्टिंग भी किया और आपके ऑब्जेक्टिव राइट है तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। पास होना तो बहुत आसान है रविंद्र, ठीक है। और शायद आप 7 दिन के साथ में हमारे साथ नहीं थे, आज ही जुड़े हो, तो आई एम सो ब्लेस्ड। आज के दिन जुड़े हो तो आज का भी कवर कर लो तो भी बहुत इनफ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं, वो है हमारा, हमने असेट्स बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 8,000 वाला, वो 10,000 रुपए में कौन ले जा रही है, रिद्धि ले जा रही है। मतलब रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, मतलब रिद्धि दो चीज ले जा रही भैया। रिद्धि 10,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है और फर्नीचर बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का मतलब है आपके ऊपर जो फर्नीचर की वैल्यू दी है, क्या दी आपकी फर्नीचर की वैल्यू बेटा, 24,000। जो वैल्यू उतने में लेके जा रहे हैं, ना ज्यादा ना कम में, सो नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे बेटा, सिंपल लिख दो रिद्धि वाला, रिद्धि लेके जा रही है 24,000। तो जर्नल एंट्री क्या है बेटा, पहले जर्नल एंट्री देख लेते हम लोग। डेबिट द रिसीवर, कैश तो नहीं आ रहा है, मतलब के अगर मैंने बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अभी कैश नहीं आ रहा है, कौन लेके जा रहा है, रिद्धि। तो यहां पर लिखे रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज रिद्धि, रिद्धि इज अ रिसीवर, रिद्धि टेकन आउट, रिद्धि दो चीज लेके जा रही है। रिद्धि क्या लेके जा रही है बेटा अपने पास से, रिद्धि लेके जा रही है फर्नीचर इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। तो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर दोनों भी अपने लिए कौन सा अकाउंट है बेटा, सबका मालिक एक, हमारे पास से क्या जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, अलग अलग नाम नहीं लिखना है हमारे पास में, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन कितने का हो रहा है बेटा, तो रिद्धि अकाउंट डेबिट में टोटल देखो 24,000 का फर्नीचर, रिद्धि ने बोला मैं फर्नीचर बुक वैल्यू पे लेके जा रही हूं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 पे ले जा रहा हूं, तो 24 प्लस 10,000 मतलब टोटल कितना हो गया बेटा, 34,000 रुपीज। यहां पे भी क्या आएगा बेटा, 34,000 रुपीज, राइट। बींग असेस टेकन बाय, बींग में क्या लिखोगे, असेस टेकन बाय रिद्धि। अब इसकी जनरल एंट्री क्या, पोस्टिंग क्या करोगे, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो रिद्धि के कैपिटल में चले जाते भैया, रिद्धि कुछ लेके जा रही है तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। यहां पर लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिद्धि में ही लिखेंगे भाई, सिद्धि खुद लेके नहीं गई है, 34,000 में लेके जा रही है रिद्धि, तो रिद्धि अकाउंट डेबिट। और बेटा
पार्टनर्स के डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, पार्टनर्स के डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे, पार्टनर के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम जाएंगे और बाय लिखेंगे, बाय रिद्धि कैपिटल। और रिद्धि क्या क्या लेके जा रही है, तो रिद्धि दो चीज लेके जा रही है, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट ले जा रही है वो 10,000 पे और फर्नीचर ले जा रही है 24,000 पे, मतलब कि टोटल रिद्धि कितना ले जा रही है बेटा, 34,000। वेरी सिंपल, माल बिका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, माल नहीं बिका पार्टनर ले जाए तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन शॉर्ट अगर असेट्स जा रहे हैं तो असेट्स क्रेडिट होगा, अगर हम बेच रहे हैं तो कैश आएगा, पार्टनर ले जाए तो पार्टनर का नाम आएगा, सिंपल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन देंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, टेंशन जरा भी लेना नहीं बेटा। अब जरा स्टोरी सुनना, रिद्धि एग्री, सिद्धि एग्री हो रही है एक्सेप्ट रुपीज 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन, मतलब रिद्धि बोलती है मेरे लोन का वैल्यू 3,000, मेरा लोन कितने का था, माई लोन वैल्यू इज 4,000 राइट, मेरी लोन की कीमत 4,000 है, पर मैं अपने बिजनेस की हालत देखते हुए तुमको ऐसा बोलती हूँ 4,000 मत दो, मुझे ऐसा करो 3,000 ही दे दो फुल सेटलमेंट, उसके बाद मैं पैसा नहीं मांगने वाली हूं, तो 3,000 रुपया दे रहे हैं। और सामने हमको 1,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है क्योंकि हमने 1,000 रुपया कम दिया है रिद्धि को, तो वो 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को। हाँ लॉस में भी कभी कभी फायदा करा जाते पार्टनर, तो मुझे 4,000 डेबिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1,000 रुपया मुझे कहां पे दिखाना पड़ेगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब के लोन अमाउंट है 4,000, जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट, और पैसा कितना जा रहा है अपने पास से 3,000 रुपीज, और बेनिफिट कितने का 1,000, जो बेनिफिट हो रहा है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और जो कैश जा रहा है वो कैश को बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट, और 4,000 किसके अकाउंट का बेटा, सिद्धि लोन, तो सिद्धि लोन को क्या करेंगे बेटा डेबिट। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी वो देखो ध्यान से, हम सिद्धि को पेड कर रहे हैं, हम सिद्धि को करें रिद्धि को करें कि किसको भी करें, जब भी आप पेड कर रहे हो मतलब पैसा जा रहा है, और यहां पर हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो एंट्री क्या है कि बेटा सिद्धि, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट, सिद्धि का लोन था 4,000 रुपये का, सिद्धि बोलते ठीक है 4,000 रुपये मैं माफ करती हूं पर मुझे 3,000 रुपये दे दो, हमने सिद्धि को पेड किया है टू बैंक, पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने में, 3,000 रुपये में, और 1,000 रुपये का हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो यहां पे लिखे टू सबका मालिक एक रियलाइजेशन अकाउंट। ये समझ में आया सबको बेटा, सिद्धि का लोन था, हाँ हाँ बेटा हाँ हाँ मीना वो पढ़ लो बेटा प्रैक्टिस के लिए, आपको कैसा क्वेश्चन आएगा किस टाइप का पेपर होगा वो सब मैंने आपको दिया है, सो एक गो थ्रू कर लो, मेरे तरफ से जो हेल्प हो रहा था वो मैंने आपको कर दिया है, तो प्लीज देख लेना जरा, कल का पूरा दिन है आपके पास, तो आराम से गो थ्रू करना बेटा। चलो सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट, तो सिद्धि लोन में जाएंगे वहां पे डेबिट में लिखेंगे सिद्धि, देखो जर्नल एंट्री को पढ़ना सीखो, सिद्धि के घर पे कौन आए, तो सिद्धि के घर पे बैंक और रियलाइजेशन दोनों आए, सिद्धि को मिलने को बैंक भी आया और रियलाइजेशन भी आया, तो मैं एंट्री कैसे पास करूं, सिद्धि अकाउंट के डेबिट में
टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 3,000, टू रियलाइजेशन। सिद्धि के घर पे दो जन मिलने को आए भाई, बैंक भी मिलने को आया और रियलाइजेशन भी मिलने को आया, राइट। यहां पे देखो 4,000 क्रेडिट में, 4,000 डेबिट में, मतलब फुल सेटलमेंट हो गया है। मैं चाहूं तो अभी इसका अकाउंट क्लोज कर देता हूं। 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट, नो स्टोरी, स्टोरी इज ओवर, सिद्धि का लोन खत्म हो गया, कहानी खत्म भैया। भाई बेटा ध्यान से, सिद्धि के घर पे बैंक और रियलाइजेशन, तो बैंक और रियलाइजेशन के घर पे कौन जाएगी? सिद्धि लोन अकाउंट जाएगा। तो सिद्धि अकाउंट डेबिट में बैंक और रियलाइजेशन, तो बैंक के क्रेडिट में पहले तो जाएगा, बाय सिद्धि लोन अकाउंट कितना था? सिद्धि लोन अकाउंट, तो यहां पे जो अमाउंट रहेगा वही लिखना है हमको, 3,000 रुपया बैंक से जितना गया उतना लिखना है, और रियलाइजेशन के भी बाय में जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धि के डेबिट में रियलाइजेशन था, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सिद्धि लोन। बेनिफिट हुआ उतना ही लिखना है, 1,000। प्रियंका, एसपी बहुत इजी है, डोंट वरी, 15-20 मिनट के अंदर मैं ये खत्म करके एसपी स्टार्ट करने वाला हूं। आपको डिसोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर भी दे दूंगा मैं, डोंट वरी बेटा, जरा भी टेंशन नहीं लेना आपको भाई। चलिए अब क्या दिए बेटा आपको, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹4,000। मेरे से आज जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा एसपी कवर करके दूंगा। एसपी में मैं क्या कराऊंगा, तो हो सकता है तो आपको डिस्टिंग बिटवीन कराऊंगा, हो सकता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं आपको, और साथ साथ में आपका करेस्पोंडेंस, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी मैं आपको लिखने को सिखाने वाला हूं। मतलब एसपी में तो फेल होना ही नहीं है, जबरदस्ती होना चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, मेरी वन डे की सीरीज मैंने बनाई है, वो चेक कर लेना। अगर किसी बच्चे को डाउट है ओसी एसपी को, अगर इंपोर्टेंट ढूंढ रहे हो, आंसर ढूंढ रहे हो, तो वन डे सीरीज, वन डे रिविजन के वीडियोज अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वहां पे चले जाना, गो थ्रू कर लेना। 20 मार्क ऑब्जेक्टिव पक्का है वहां से, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए मैंने, मतलब आप 30-35 तो वो एक वीडियो देख के निकाल लोगे, ठीक है। और एसपी में तो प्रियंका, एसपी में तो बेटा मैंने लेटर कैसे लिखना है वो भी बताया है, बायहार्ट नहीं करके गए तो कैसे 50% मार्क्स स्कोर करने, 10 में से 5 कैसे निकाल लोगे, वो टेक्निक भी मैंने वहां पे सिखाई आपको, सो डोंट वरी। और अभी आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग वो भी खत्म करने वाले, डोंट वरी बेटा, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। और एग्जाम की रात को भी मैं आपके साथ रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बड़ा बड़ा आंसर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, ये आज का आज मैं बाहर करा दूंगा, आज के सेशन में मिस नहीं करना। एसपी के लिए 100% मैं श्योर हूं कि कुछ नहीं होगा बेटा, आराम से जितने डिस्टिंग बिटवीन बताने वाला हूं वही पढ़ के जाओ, लेटर बताने वाला वो करके जाओ, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आज रट्टा मराने वाला वही करके जाओ, दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं, फुल पास हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको मेहनत करनी है, वो मैं बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ तो आप भी करोगे। चलो डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया है, मतलब खर्चा हुआ है, हमने पेमेंट किया, मतलब पैसा गया, तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन के नाम का खर्चा हुआ है, मतलब पैसा जा रहा है, कितना मैंने डिसोल्यूशन के नाम का पेमेंट किया देखो जरा, 4,000 रुपीज किया है, तो यहां पे लिखता बेटा रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया। यह ऐसा ही जैसे लाइबिलिटी पे कर दो। कितना था? 4000। सो हमने लिख दिया 4000। बोर्ड एग्जाम में ऐसे एडजस्टमेंट आएगा, आप लोग आराम से कर लेना बेटा, कोई डाउट नहीं आएगा आपका डिसोल्यूशन का। राइट माय डियर स्टूडेंट, मैं तो कहता हूं अरमान क्वेश्चन आंसर छोड़ के डायरेक्ट कैपिटल वेपिटल सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और वन डे ऑब्जेक्टिव सीरीज देखो, जहां पे ऑब्जेक्टिव दबा के दिए मैंने आप लोगों को, आराम से पास हो जाओगे उतना किया। तू भी ज्यादा टेंशन लो मत बच्चा, इसके बाद भी शॉर्ट टेक्निक्स लेके आने वाला हूं मैं अकाउंट की आपके लिए, कि भाई साहब कितनी फॉर्मेट बनानी है, कौन कौन से एडजस्टमेंट देखना है, उसकी पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा। दबा के शेयर करो आप लोग के फ्रेंड के साथ में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैं चले जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में जाओ और लिख दो टू बैंक अकाउंट। आउटर कॉलम में पेमेंट 4000 रुपीज हम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखूंगा बेटा, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय कितना आएगा, बाय रियलाइजेशन 4000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर। ओरे रे रे रे, जरा देखो यहां पे क्या हो गया। हमारे क्वेश्चन में हमको बोला था इंटरेस्ट रिसीवेबल है, हमारा असेट्स था, हमको आशा थी कि पैसा मिलने वाला है। कितना रुपया था? 2000 रुपीज था, जो हमको मिला ही नहीं। हमारा क्या हो गया बेटा, पूरी तरह से लॉस हो गया है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स था बट हमको मिला नहीं है, तो जाने तो नहीं मिला, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में हम लोग। इररिकवरेबल डेप्ट है, लॉस है पूरा अपना। कितना था अपना इंटरेस्ट रिसीवेबल? 2000 रुपया, 2000 रुपीज। तो कोई बात नहीं, पैसा डूब गया, कहानी खत्म। चलो पर यहां पे भूलो मत, तुमने एक गलती कर देते हो, इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला क्रेडिट है पेड करो। बट हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें दूसरे लोग पैसा नहीं देंगे तो चलेगा, पर हमको हमारे क्रेडिटर को पे करना कंपलसरी है। तो एक जन एंट्री और आएगी, क्रेडिटर को पे करना है। चलो तो यहां पे सेम एंट्री के करता हूं मैं, सेम एंट्री पास करता हूं आप लोगों के लिए। टू पहला क्या लिखूंगा बेटा यहां पे, क्रेडिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया तो हमने लिखा बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे कर रहे हम लोग बेटा यहां पे, क्रेडिटर का जो भी अमाउंट दिया पूरा चुकाना पड़ेगा, नहीं बोला है तो भी, तो 30000 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला है बेटा फिर भी पे करना है, डिसोल्यूशन का रूल है, एक भी लायबिलिटी आपको छोड़नी नहीं है, पे करनी ही पड़ेगी। राइट,
30,000 रुपीज डेबिट, 30,000 रुपीज क्रेडिट, राइट? याद रहेगा बेटा? ब्रह्मा हम लोग ये डिसोल्यूशन पढ़ रहे बेटा। चलो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाऊंगा, फिर से लिख दूंगा यहां पे टू बैंक अकाउंट, या सिंपल बोलू मैं आपको, यहां पे बैंक अकाउंट के नीचे लिख देता हूं टू। क्या पे किया था हमने पहले बेटा? तो इसके पहले हमने पेमेंट किया था 2,000 रुपीज का होता डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो यहां पे लिख देता हूं क्रेडिटर, क्रेडिटर्स 30,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 रुपीज, टोटल आउटर कॉलम 34,000। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका टोटल करना है, देखना है कौन सी साइड ज्यादा है। तो बट ऑफिस से बिजनेस बंद होने वाला रहेगा तो अपना खर्चा मोस्टली ज्यादा ही होता है। 1,17,000 प्लस 1,17,000 प्लस ओके स्टूडेंट, तो अभी थोड़ी देर में आपको एक अच्छा खासा मैं फिर से मेरे बैकग्राउंड में बताने वाला हूं हमारी नई प्लानिंग क्या है। तो लेट सी, पहले ये खत्म कर लेते हम लोग। आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज अच्छी ला रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है कि भाई आपके साथ मैं रहने वाला हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमारी प्रियंका बोल रहे कुछ पढ़ के नहीं हुआ, तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ तो उस दिन भी पढ़ते पढ़ते अजय सर का साथ मिलेगा। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो मेरा डेबिट साइड 2,06,000 रुपये है, 5,600 रुपये है, उसमें से मेरे को माइनस करना है 2,00,000। क्रेडिट साइड का बैलेंस तो 1,03,000, 1,03,000 प्लस 30,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000, सो टोटल आ रहा है मेरा 1,68,000। तो 2,05,000, 2,05,600 माइनस 1,65,000, तो मेरा आंसर आता है बेटा, मेरे को वहां पे आता है टोटल 36,000 रुपीज इज माई करेक्ट आंसर। हमने आरजीडी की एंट्री पास की है, देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले एक बार चेक कर दिया, 1,600 रुपया किया हमने। सो मेरा टोटल आ रहा है बेटा 36,000 माइनस करने पे, ये 36,000 मेरा क्या है बेटा, लॉस है बिजनेस का जो दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल, नीचे ब्रैकेट में लिखना ये क्या है बेटा, तो लॉस
ट्रांसफर टू, या लिखूंगा रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, ऐसे डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अपने दोनों पार्टनर का नाम लिखना है, पहले नाम है रिद्धि और दूसरा नाम है सिद्धि, रेशियो क्या दिया था 2:3, तो 36,000 डिवाइड बाय 36,000, रेशियो क्या दिया देखो वहां पे आपको 2:1, तो 36,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 24,000 एक को देंगे लॉस, एक पार्टनर 24,000 का लॉस लेगा, एक पार्टनर 12,000 का लॉस लेगा, टोटल 36,000 है। ये यहाँ पे क्रेडिट में तो जैसे फाइनल अकाउंट में करते हो वैसे करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आना है, यहां पे लिख दीजिए टू रियलाइजेशन और लिख देना नीचे ब्रैकेट में रियलाइजेशन लॉस है, पहले को 24,000 दिया हमने और दूसरे को हमने कितना दिया बेटा 12,000 रुपीज दिए, सिंपल है। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री भी डिटेल में बता दिया है और यस है बेटा है, आप कैपिटल कर लो, इश्यू ऑफ शेयर्स कर लो। चलो अब यहां पे सिंपल है 65,333 यही अमाउंट उठा के हम लोग क्रेडिट का डेबिट में लिख देंगे, उसमें से 65,333 माइनस 12,000 तो कितना बच रहा बेटा 53,000 53,333 और आगे लिखेंगे हम लोग बेटा80,000 + 10,600 वो अमाउंट में डेबिट में लिखूंगा माइनस करने को मेरे पास 34,000 + 24,000 58,000 है तो माइनस 90,667 तो वैल्यू क्या आ गया मेरे 32,667। अब बेटा ये मेरा क्या हो रहा बेटा, एक्चुअल में ये मैं कहाँ पे डालूंगा, तो मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है, बचा है खाली एक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर ये पार्टनर के डेबिट में तो बैंक के कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाना है आपको और यहां पे लिख देना है बाय पार्टनर से, तो डायरेक्ट नाम लिख दो आप लोग चलेगा सिद्धि, सिद्धि सिद्धि कैपिटल
सिद्धि कैपिटल और बाय रिद्धि कैपिटल। सिद्धि कैपिटल रिद्धि कैपिटल का अमाउंट कितना है? सिद्धि कैपिटल रिद्धि कैपिटल का अमाउंट कितना बेटा? तो 32,600 पहले वाले का अमाउंट है 32,667 और दूसरे का अमाउंट है 53,333। दोनों का अगर टोटल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,23,000 यहाँ पे भी आएगा और सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 1,23,000। जैसा वहां पे बैलेंस शीट टेली होता था वहां पे बैंक अकाउंट टेली होगा। यस बेटा यहाँ पे बैंक अकाउंट टेली होगा और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सेकेंड क्वेश्चन में आपको डिक्टेट कर देता हूँ फटाफट। आराम से स्टेप फॉलो करेंगे, ध्यान दोगे आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। बहुत इजी है, मैं फिर से देख रहा हूं। यहां पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन को। अ फर्म कंफर्मिंग या कंसिस्टिंग द पार्टनर महेश सुरेश एंड योगेश। ओके यहां पे तीन पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन हो गए तो तीन कॉलम बनाएंगे पार्टनर की, ठीक है। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, अब उनको पार्टनरशिप बंद करनी है। एंड टेक ओवर द सर्टेन असेट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यूअस बिजनेस सेपरेटली, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन, जितने भी आपके असेट्स है वो क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। तो असेट्स में क्या क्या है मेरे पास में? फर्नीचर, सन्ड्री असेट्स, डेटर। डेटर में कौन सा अमाउंट लोगे बेटा? इनर कॉलम का अमाउंट लोगे, एक्सटर्नल नहीं लेना है, ठीक है। फिर स्टॉक, ये चार चीज को ट्रांसफर करोगे। ये चारों को क्या करोगे बेटा? टीआरएफ, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब कि पहला स्टेप क्या आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट में जाओगे, रियलाइजेशन के डेबिट में जाओगे और ये चारों को लिख दोगे, राइट, टू रियलाइजेशन। देख लेते हम लोग। तो स्टेप नंबर वन देखो कंप्लीट हुआ है क्या यहां पे? तो जी हाँ, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हम जाएंगे कहां पे बेटा? रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे और जितना भी असेट्स है टू सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे जितने भी असेट्स है। असेट्स ट्रांसफर, तो सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक, ये चारों असेट्स हम लोग उठा के कहां से लेके आए? असेट्स से लेके आए। तो स्टेप नंबर वन, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। पहला स्टेप समझा आप लोगों को। और ड्रॉइंग कौन सा अमाउंट लोगे बेटा? इंटरनल वाला अमाउंट लोगे, ठीक है। सेकेंड आपको क्या दिया है यहां पे? ध्यान से दोनों, वो दिया है कैश अकाउंट दिया है यहां पे बेटा। ये कौन सा अकाउंट दिया बेटा आपको? कैश। मतलब आप कौन सा लेजर बनाओगे? कैश का लेजर बनाओगे और कैश अकाउंट के, कैश अकाउंट के लेजर में जाके लिखोगे, कैश अकाउंट के लेजर में जाके लिखोगे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो हम 6,400 ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, राइट बेटा। वेरी गुड बेटा, करेक्ट ब्रह्मा, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट जाएंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला काम, हमने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया। फर्नीचर ट्रांसफर हो गया, हो गया सन्ड्री असेट्स, हो गया डेटर, हो गया और स्टॉक को भी ट्रांसफर कर दिया और कैश को, बेटा मैं पेंसिल से यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं आपके लिए, जो कैश है वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो बैलेंस होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बीच लेस डी, राइट, असेट्स में जाके। चलो उसी तरह कैपिटल जो दिया है योगेश महेश और इसका, वो क्रेडिट साइड दिया है। तो पहला काम क्या करके? बी बाई डी, इनका भी अमाउंट उठा के बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पार्टनर कैपिटल में। मतलब जो भी पार्टनर कैपिटल बना है उसके क्रेडिट साइड जाएंगे और वहां पे जाके लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यहां पे लिखा है उन्होंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट बेटा। हम भी लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल है।
इजी है, विदाउट वेस्टिंग का टाइम थोड़ा फटाफट कर लेते हम लोग। तीनों का बैलेंस दिया वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पे ध्यान देना जरा, क्रेडिटर और लोन। ये क्रेडिटर लोन, लोन पार्टनर का लोन नहीं है, इसके लिए लोन अकाउंट नहीं बनेगा, इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा TRF। ठीक है, कोई भी रिजर्व फंड नहीं दिया जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडमिशन में भी रिजर्व फंड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिसोल्यूशन में भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते उनके रेशियो पे, पर दिया नहीं है। ये जो 12,000 या 13,000 3,000 रुपया, मतलब टोटल 15,000 रुपया कहां पे जाएगा बेटा? ये दोनों अकाउंट ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन बेटा, क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगी, ये क्रेडिट है लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएगी। तो क्रेडिट में क्या आएगा? रियलाइज, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड उठा के लिख देना है। पहला स्टेप यही करना है, जितने भी असेट्स है वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देने आपको, और जितनी भी लाइबिलिटीज है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देनी आप लोगों को। पहला काम जाके एग्जाम में वही करना है, ठीक है? ये लाइबिलिटी है उसको उठा के क्रेडिट में लिख देना है, लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया, राइट। चलो नेक्स्ट, असेट्स ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। अब यहां पे एक छुपा हुआ बैठा है, उसको ध्यान से देखो, दिखता कहीं और है लिखता कहीं और है, ये भाई साहब है RDD। RDD को भी ट्रांसफर ही करना पड़ेगा हमको, RDD को भी ट्रांसफर ही करना पड़ेगा हमको, वो भी रियलाइजेशन में। बेटा ये असेट्स में दिख रहा है पर असेट्स नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस है, माइनस करें मतलब वो जाएगा डेबिट में। RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब इसको भी रियलाइजेशन के कहां पे लिखे बेटा? क्रेडिट साइड ही लिखेंगे हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय RDD, दिख रहा है सबको? अगर मैं आपको शॉर्टकट और शॉर्टकट ज्यादा सिखाऊं, अगर मेरा बच्चा अभी न्यूली ज्वाइंट हुआ है तो स्टेप नंबर वन, जितने असेट्स है वो उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो, जितनी लाइबिलिटी है वो उठा के रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो, टू सन्ड्री असेट्स टू सन्ड्री बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, दैट्स इट स्टेप नंबर वन, ठीक है? और बैलेंस जो भी दिया है, बैंक का बैलेंस तो बैंक में लिखो, लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल का कैपिटल में लिखो। थर्ड नंबर का स्टेज, अब असेट्स बेच रहे, महेश इज टेकन द फर्नीचर, महेश क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है। डेटर अमाउंटिंग 40,000 एंड 34,000, 40,000 के डेटर को कितने में लेके जा रहा है बेटा? 34 में। तो हमको पूरी तरह से इसको इग्नोर करना है, कितने का था उससे मतलब नहीं है, कितने में लेके जा रहा है वही देखना है और वही वैल्यू लिखना है। मतलब के यहां पे पार्टनर्स ने टेकन ओवर किए असेट्स, जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? असेट्स जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, कौन लेके जा रहा है उसका नाम लिखो, पार्टनर लेके जा रहा है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब कि मैं महेश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो महेश के डेबिट में जाना है हमको, महेश के डेबिट में जाना है और हमको लिखना है टू रियलाइजेशन, महेश लेके जा रहा है बेटा, ठीक है? महेश ने क्या क्या लिया अपने से बेटा, जरा देखो, महेश लेके जा रहा है अपने पास से फर्नीचर, डेटर, फर्नीचर लेके जाता है 1600 रुपये में और डेटर लेके 40,000 का डेटर 34 में लेके जा रहा था, तो जो भी वैल्यू आ रहा है 36,000 वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में, जो लेके जा रहा है उसको डेबिट करेंगे बेटा और पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, राइट। दिस इज क्लियर एवरीवन? नाउ उसमें ही एक और एडजस्टमेंट दिया आपको, पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है साथ में लाइबिलिटी भी पे कर रहा है, एक्सेप्ट द क्रेडिटर ₹12,000 एट द फिगर, मतलब के जो आपके ऊपर क्रेडिटर का कर्जा था वो मिस्टर महेश पे कर रहे, मतलब इन शॉर्ट में आपका क्रेडिटर पे हो रहा है, वहां से लाइन ड्रॉ कर देना, क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, टेंशन लेने का नहीं है। पर हम पे कर रहे क्या? नहीं, कौन पे कर रहा है? पार्टनर, पैसा नहीं जा रहा है बट क्रेडिटर पेमेंट हो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पर क्रेडिटर के बदले लिखेंगे रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में महेश कैपिटल, महेश ने पैसा पे किया तो महेश कैपिटल लिखेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, रियलाइजेशन के डेबिट में महेश 12,000
और महेश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में महेश, तो महेश के क्रेडिट में रियलाइजेशन 12,000 रुपया। सिंपल है। चलो उसी तरह दूसरे एक पार्टनर ने अगर कुछ असेट्स लेके गया और लाइबिलिटी लेके गया तो हमारे दूसरे पार्टनर भी बोले कि हम भी लेके जाएंगे, अगर महेश कुछ लेके जाए तो हम क्यों छोड़े। तो चलो देखते हैं सुरेश क्या लेके जा रहा है। सुरेश टेकन ओवर, सुरेश क्या टेकन ओवर कर रहा है भैया, सुरेश इज टेकन ओवर ऑल स्टॉक्स ₹14,000, सन्ड्री असेट 16,000 का 14,000 में। देखो फंसा रहे आपको वो सन्ड्री असेट जो 16,000 का था वो कितने में लेके जा रहा है, 14,400। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा काम क्या रहेगा, 14,000 का असेट जा रहा है या स्टॉक जा रहा है तो 14,000 रुपीस प्लस वो क्या लेके जा रहे बेटा, सन्ड्री असेट्स के वैल्यू दे रहे हो 14,400, तो मुझे वही लिखना है 14,400। मतलब 28,400 का वैल्यू सुरेश लेके जा रहा है। तो सुरेश लेके जा रहा है मतलब सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट, यस बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब मैं क्या करूंगा, सुरेश के डेबिट में जाऊंगा, तो सुरेश इज अ रिसीवर, मेरे पास से असेट जा रहा है तो सुरेश के डेबिट में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश ने रिसीव किया कितने का, आपने अलग अलग लिखा तो भी चलेगा 28,400। और पार्टनर्स के डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर, यहां पे लिखेंगे सुरेश कैपिटल। क्या लेके जा रहे हैं, स्टॉक लेके जा रहे हैं, सन्ड्री असेट्स लेके जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा, इन्होंने एक ही लाइन में तीनों लिख दिया है। आप ऐसे लिख सकते हो रियलाइजेशन 36,000, फिर नीचे की लाइन में रियलाइजेशन 28,400 और उसके नीचे की रियलाइजेशन 16,000, क्योंकि पार्टनर असेट्स लेके जा रहे हैं। चलो मैंने बोला सुरेश को, सुरेश क्या कोई लाइबिलिटी तुम पे कर रहे हो, तो सुरेश ने बोला नहीं भाई। अब योगेश टेकन ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स ₹16,000, योगेश 16,000 में सन्ड्री असेट्स ले जा रहे हैं एंड एज्यूम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टूगेदर विल अक्रूड इंटरेस्ट ₹60 विच हैज टू बी पेड रिकॉर्डेड इन अकाउंट। मतलब कि हम लोन पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, तो लोन अकाउंट कितना था, 3,000 रुपीज था, लोन विल बी अक्रूड इंटरेस्ट 60 रुपीज, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 3,060 रुपीज पे करना पड़ेगा। यहां पे देखो योगेश, योगेश कैपिटल, योगेश पे कर रहा है लोन प्लस इंटरेस्ट 60, तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे देखो क्या लिखूंगा मैं, कौन ले जा रहे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में योगेश और योगेश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 360, बिकॉज योगेश पे कर रहा है, मेरे पास से मेरा कर्जा खत्म हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, लोन अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट करूंगा, और मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, पैसा कौन दे रहा, पार्टनर, तो पार्टनर का नाम, जो पैसा देगा वो अपना नाम लिखवाएगा। चलो खत्म हो गई स्टोरी। अब लास्ट एडजस्टमेंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540, वो हम ही पे कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या है कि बेटा डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, मतलब के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो यहां पे कैश अकाउंट बनाया तो हम लिखेंगे कैश, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में 540, रियलाइजेशन के डेबिट में 540, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540 और कैश के क्रेडिट में बाय डिसोल्यूशन, राइट। तो इतना सिंपल है, तो आपको पांच एंट्री पे काम करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर, और यहां पे टोटल सबसे पहले आप डिसोल्यूशन का करोगे, उसका अमाउंट ट्रांसफर करोगे पार्टनर में, पार्टनर का टोटल करोगे और ट्रांसफर करोगे कैश या बैंक अकाउंट जो बना है उधर, और कैश और बैंक आपका टेली होने वाला है। मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा आपको डिफिकल्टी लेवल अगर कही जाए तो यहाँ पे अगर वो लोग बोलेंगे तो दो पार्टनर तीसरे का लॉस बेयर कर रहे ऐसा आएगा, बट आई डोंट थिंक सो, ऐसा ही एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसकी आपको जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी है। रिमेनिंग डेटा इज अ रियलाइज, रियलाइज क्या मतलब, आपको क्या मिला है, कैश मिला है, डेटा बेच के पैसा मिला ऐसा वो बोल रहे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश के डेबिट में जाके लिखूंगा रियलाइजेशन, अगर देखना चाहते तो देख लीजिए।
कैश के डेबिट में रियलाइजेशन, रिमेनिंग डेटर हमने बेच दिए और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश। बाय कैश रिमेनिंग डेटर, ये जो बचे हुए डेटर थे उसको भी बेचा और पैसा मिल गया हमको। तो जब पैसा आता है, होप मेरे बच्चे लोग को समझ में आ गया होगा डिसोल्यूशन। सबसे पहले पांच एंट्री समझ जाओ, बहुत बेसिक एंट्री है। असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इन शॉर्ट में कहो तो जितने असेट्स दिए वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो। दूसरा, लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जितनी लाइबिलिटी दी है वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। एक बात ध्यान देना, आरडीडी जो आपको असेट्स में दिया उसको उठा के भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। तीसरा, अगर कोई रिजर्व फंड दिया होगा, जनरल रिजर्व दिया होगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैश अकाउंट दिया तो कैश बनाओगे, बैंक अकाउंट दिया तो बैंक बनाओगे। बट सर, कैश और बैंक दोनों दिया है तो जितना भी कैश है पहले बैंक में ट्रांसफर करना है और बैंक अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। फोर्थ है वो है आपका, फोर्थ है वो है आपका, जो भी असेट रियलाइज करो, सेल करो तो उसका पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर असेट बिक नहीं रहे और पार्टनर ले जाए तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लास्ट में लाइबिलिटी पेड करोगे, उन्होंने बोला है या नहीं बोला है, लाइबिलिटी पेड करना ही है तो एंट्री क्या आएगा बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट करोगे, लाइबिलिटी नहीं लिख के रियलाइजेशन लिखना है। अगर हम पे नहीं कर रहे हो, कोई पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट्स इट। सो इतना बड़ा आपका डिसोल्यूशन था बेटा, होप आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। इज इट क्लियर एवरीवन? सो यहां का सेशन हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेशन चालू करना है एसपी का। 10 मिनट का ब्रेक लेके मैं आपके साथ दोबारा जुड़ता हूं एसपी के सेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नंबर आपको भेज दूंगा, जिसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग हमारे एग्जाम के रात को।